अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं गार्लिक पोटैटो वेजेस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 आलू ले लेंगे। इनका छिलका उतार देना है, आप चाहें तो ना भी उतारें। अब हम इन्हें काट लेंगे। अब हम इन्हें उबाल लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जब तक आलू उबल रहे हैं, हमने एक बाउल ले लेना है जिसमें 2 टेबलस्पून हमने मक्खन के डाल लेने हैं और 1 टीस्पून हमने चॉप्ड गार्लिक का डाल लेना है। इसे 1 मिनट के लिए ओवन में गर्म कर लेंगे और तब तक हम एक और बाउल ले लेंगे। इसमें 1/2 कप हमने डाल लेना है मैदा और 1/2 कप ही हमने डाल लेना है कॉर्नफ्लावर। इसके बाद 1/2 टीस्पून हमने नमक डाल लेना है, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर ले लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हुई थी इसलिए मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। 1/3 कप पानी डाल लेना है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आलू बॉईल हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी और इनका पानी खुश्क कर लूँगी। अब जो हमारा पेस्ट था उसके अंदर मैं आलू डाल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन आलूओं को हम फ्राई कर लेंगे और इनका जब कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब एक बाउल लूँगी जिसमें मैं लहसुन और मक्खन जो हमने मेल्ट किया था वो डाल लूँगी। इसके बाद इसमें जाएंगे फ्राई हुए हुए आलू। 1/3 कप मैंने चॉप हुआ हुआ धनिया लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे गार्लिक पोटैटो वेजेस तैयार हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।